हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन जो है उनको देखना होगा तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वेबसाइट में जाके और चैप्टर जो है उनकी वीडियो आप देख सकते हो। तो देखिए, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताता बोलता है, हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो दो अलग अलग टाइप के क्लॉथ मटेरियल हैं स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। तो शर्ट का जो मटेरियल है बोलता है वो पड़ता है उसको 50 रुपये एक मीटर का कॉस्ट, और वहीं पे जो ट्राउज़र का मटेरियल वो पड़ता है 90 रुपीज़ पर मीटर। तो एक मीटर का 90 रुपये का रेट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई अगर वो 3 मीटर अगर शर्ट के लिए कपड़ा खरीदेगा तो 2 मीटर उसे ट्राउज़र के लिए खरीदना पड़ेगा। तो ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। तो उसने जो मटेरियल जो है वो जो बाद में जो उसको बेचता है बोलता है तो 12% में बेचता है किस वाले को, जो पहला मटेरियल है और वो है शर्ट का, और वहीं पे 10% में बेच देता है ट्राउज़र वाले को। तो हिज टोटल सेल, तो उसने सेल करने के बाद जो अर्न करा वो अमाउंट इतना है, मतलब इसमें प्रॉफिट और जो सेलिंग प्राइस जो उसका कॉस्ट जो है वो सारी इंक्लूड है, तो प्रॉफिट खाली नहीं है। अब बोलता हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो यहाँ पे पूछ रखा ट्राउज़र का मटेरियल। तो देखिए, इसको करने का जो तरीका है, इसमें सबसे पहले कि जो ये बोल रहा है मटेरियल जो बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि मटेरियल जो है ट्राउज़र का बोलता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, तो मटेरियल ऑफ द शर्ट हमने मान लिया उसने कि उसने खरीदा 3x, क्योंकि इसने कहा 3 मीटर अगर शर्ट का खरीदेगा तो 2 मीटर ट्राउज़र का खरीदना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता उसने टोटल कितना खरीदा, तो हमने मान लिया कि 3x उसने शर्ट के लिए खरीदा, तो ट्राउज़र के लिए कितना हो जाएगा। तो ट्राउज़र का मटेरियल हो जाएगा 2x, ये हो गया। अब देखिए कोस्ट देखते हैं, ये बोलता है 1 मीटर का जो कोस्ट जो है शर्ट का, 1 मीटर का जो कोस्ट है वो है 50 रुपीज़। तो इतने का कितना हो जाएगा, तो कोस्ट ऑफ 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। तो भैया अगर 1 मीटर का 90 रुपीज़ है तो इतने का हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 90, तो 270x रुपीज़। देखिए यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, ये 90 रुपीज़ जो है ये कोस्ट जो है वो है इसकी ट्राउज़र की, तो हमें शर्ट का निकालना, तो शर्ट का जो रेट है वो 50, तो इसकी जगह आएगा 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 150x। अब जो ट्राउज़र की कोस्ट है वो तो लिखेंगे हम कोस्ट ऑफ कितना मीटर है, 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय, तो 1 मीटर की बोल रखी थी उसने 90, तो 180x, मतलब इतना रुपीज़ जो है वो कोस्ट आ गई। तो रुपीज़ लगा देते हैं लास्ट में जिससे आपको आसानी रहेगी, इतने रुपीज़ हो गए। अब इसने कहा है कि टोटल जो कोस्ट, यहाँ पे टोटल कोस्ट तो बाद में ही आई है, उससे पहले प्रॉफिट भी बात कर रहा है। तो अगर बोलता है ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, तो उसने जो मटेरियल जो है वो 10% और 12% के प्रॉफिट में जो है बेचे हैं। तो शर्ट का मटेरियल, पहले शर्ट का मटेरियल की बात कर रहा था, तो इसलिए ये जो है शर्ट को उसने 12% में बेचा है, फिर सेकंड वाले को सेकंड नंबर में। तो प्रॉफिट अर्न वो हो जाएगा जैसे यहाँ पे बोल रहा है, ओन शर्ट, तो वो प्रॉफिट है बोलता है 150 रुपीज़ तो था ही, अब उसमें 12% प्रॉफिट भी हो गया, तो इसमें 12% हुआ प्रॉफिट, ध्यान देना।
150 रुपीज़ था, उसमें उसको फिर 12% में बेचा तो उसका 12% ही हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, इनको प्लस कर दीजिए उतना हो गया। इस चीज़ को डिवाइड करा, 2 5 जै 10, 2 6 जै 12 और 5 3 जै 15, तो ये आ गया 150x प्लस 18x, क्योंकि 6 3 जै 18, तो इनको प्लस करके आएगा 168x। तो इतना रुपीज़ हो गया पहला जो है। अब दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे कि ट्राउज़र का जो कॉस्ट प्रॉफिट जो है ट्राउज़र में वो हो जाएगा, तो प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र इज इक्वल टू 180x प्लस उसमें जो प्रॉफिट है वो हुआ 10% का, तो ये करने पे आया 180x प्लस 18x तो गया 198x। तो इतना प्रॉफिट हो गया, इतने रुपीज़ का इसमें भी प्रॉफिट हो गया। तो ये जो अमाउंट निकले हैं प्रॉफिट के, इनको प्लस करोगे तो बोलता आंसर आएगा इतना, इतने के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 3600। तो अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा 3600x इज इक्वल टू इसके बराबर। तो ये अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आएगा, ये इसे डिवाइड करा तो आएगा 100, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। अब ये x की वैल्यू आई है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है बोलता हाउ मच मटेरियल ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने ट्राउज़र का मटेरियल कितना बाय करा। तो देखिए ट्राउज़र का जो मटेरियल वो है 2x, एक्स की वैल्यू हमारी निकली है 100, तो निकल जाएगा 2 × x, तो 200 मीटर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का पूरे का आंसर है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।